भुवनेश्वर और बुमराह दोनों पहले दो मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन गुरुवार को हुई तीन मैचों के लिए टीम के ऐलान में भुवी और बुमराह को जगह मिल गई है। बता दें कि कोहली ने भी दोनों तेज गेंदबाजों की वापसी पर खुशी जताई है और कहा है कि टीम इंडिया इन दोनों बॉलरों से और मजबूत होगी। तो वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शमी को बाहर किया गया है। पहले दो मैचों के लिए 14 सदस्यीय टीम चुनी गई थी, लेकिन बाकी के तीन मैचों के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। शमी को पहले दो मैचों में अंतिम 11 में जगह मिली थी, लेकिन बाकी के मैचों के लिए उन्हें बाहर कर दिया गया है। बुमराह और भुवनेश्वर को पहले दो वनडे मैचों के लिए आराम दिया गया था, वहीं खलील अहमद को टीम में बनाए रखा गया है। बता दें कि वनडे सीरीज का पहला मैच 21 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि दूसरा मैच बुधवार को विशाखापट्टनम में दोनों टीमों के बीच टाई रहा। सीरीज का तीसरा 27 को पुणे में होगा, जबकि 29 को मुंबई और पांचवा वनडे 1 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।